दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर ये 15 देखेंगे। और मेरे चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करके 1 लाख पूरा दो, ताकि मैं आप लोगों को एक ग्रैंड ओपनिंग दिखाऊंगा अपने चैनल पे। मैं कुछ एक नया लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो ये आज मेरा क्वेश्चन नंबर 15 है। ये बोला इफ, सॉरी, ये बोला फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे a इज इक्वल टू दे रखा है ये 2, 2, 1, 0, 1 माइनस 1, ये 1, 3, 0 ये है। तो अब यहाँ पे मेरे को a तो दिया हुआ है और फिर यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कैसे? तो इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अपने पास i नहीं दिया हुआ है, तो i फॉर क्या होता है? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये 3x3 का है तो अपने को 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ 1 और ये 1, 1, मतलब हम डायगोनल एलिमेंट लिख दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल का सभी एलिमेंट लिख दिया। क्या? सभी एलिमेंट 1, 1 कर दिया। इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सभी 1, 1 होता है। लेकिन ये डायगोनल एलिमेंट का अपर और लोअर एलिमेंट क्या होता है? सभी 0 होता है। और डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है, 1, 1। तो ये अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब अपने को ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? ए को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2, 2 और ये 1 लिख दिया, फिर ये 0, 1, -1, 1, 3, 0 ये ऐसा लिख दिया। अब फिर एक बार और लिखेंगे एज इट इज, ये 0, 1, -1, 1, 3, 0 ये। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या बताया था? कि इसका रो, इसका कॉलम, रो कॉलम करते जाएंगे और एलिमेंट को लिखते जाएंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 हो गया। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 हो गया। फिर ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 हो गया। फिर अब ये पहला कॉलम का काम समाप्त। अब दूसरा कॉलम में जाएंगे, इसका रो फिर इसका कॉलम करेंगे। तो यहाँ पे 2 × 0 ये 0 हो गया, प्लस 0 × 1 ये भी 0 हो गया, 1 × -1 तो ये -1 हो गया। फिर अब दूसरा कॉलम का काम समाप्त। अब तीसरे कॉलम में जाएंगे, फर्स्ट रो तीसरा कॉलम लेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 2 हो जाएगा। फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 0 हो गया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये 0 हो गया। फिर इसका रो, फिर सभी को एक एक कॉलम लेंगे। अब ये 2 × 2 ये 4 हो गया, और फिर ये 1 × 2 तो ये 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, फिर ये 0 हो गया, 1 हो गया, और ये -3 हो गया, फिर ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 0 हो गया। फिर इसका रो इसका कॉलम करेंगे तो ये 2 हो गया, -2 हो गया, और ये +0 हो गया, फिर ये 0, -1 और +0 ये 1, -3 और ये +0 ये है। अब इसका सही तरह लिख देते हैं इसको, तो ये 5 हो गया अपने पास, और ये 6, ये 7 हो गया, और ये 0 हो गया। फिर यहाँ -1, -2, -1,
फिर ये 2, 5 माइनस 2, तो ये हो गया अपने पास, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाला अपना अपने, ये 5 7 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये 2 5 माइनस 2, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है और माइनस 5 ए है। तो ए 5 ए है तो 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली हम ए में। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या बताया था, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये 5 होगा, ये 0 5 माइनस 5 ये 5 15 और ये 0 होगा, फिर ये प्लस 6 आए। तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बताया था, ये बताया था मतलब ये सारा एलिमेंट 0, ये 0 6 0 0 0 और ये 6। अब सभी को हम ऐड कर देंगे, 7 माइनस सॉरी 5 माइनस 10 माइनस 5 और ये प्लस 6 कितना आ गया, ये 1 आ गया, 7 माइनस 10 माइनस 3 और प्लस 0 तो कितना आ गया, माइनस 3 हो गया, फिर ये 0 माइनस 5 और यहाँ 0 है तो ये माइनस 5 हो गया, माइनस 1 और ये 0 है और ये 1 0 और ये भी 0 है तो ये माइनस 1 हो गया, माइनस 2 और ये माइनस 5, माइनस 7 और ये 6 है तो माइनस 1 हो गया, माइनस 1 और ये माइनस 5 तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, फिर ये 2 माइनस 5 माइनस 3 और ये 0 तो ये माइनस 3, 5 माइनस माइनस 15 तो ये माइनस 10 हो गया और ये 0 तो ये माइनस 10 हो गया, माइनस 2 माइनस 0 तो ये माइनस और माइनस ये प्लस 6 है तो क्या हो गया, ये 4 हो गया। तो अब इसका आंसर मिला लेते हैं कि इसका आंसर क्या दिया हुआ है, यहाँ है गलत, यहाँ 9 होगा, ये माइनस 1 हो जाएगा तो ये आंसर हो गया अपना, देख लो आप लोग। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके आप लोग 1 लाख पूरा दो ताकि मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी से अपडेट लाऊं और एक ग्रैंड ओपनिंग करूं।